हैंडसम ही हैंडसम ही है ये लोग, बड़े लोग। सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त। अभी मैं आ रहा था अपने क्लास से तो सोचा कि एक ब्लॉग बना लूं। बॉय सुबह सुबह मेरे को लेट हो गई थी इसलिए मैं भैया सा साइकिल मांग लेता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे हॉस्टल नीचे रहते हैं यीशु नाम का, यीशु सोनी, उनका साइकिल मांग के लेते आया क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी 10 मिनट और आने में लगता है 15 मिनट, तो सोचा कि साइकिल ले लूं उनका। उनका क्लास 3 बजे था इसलिए मैं साइकिल उनका लेके आया। चलते फिर मिलते हैं, फिर हॉस्टल जाके नहीं मतलब मिलते हैं आगे। अभी बहुत जाम है इधर इस साइड। A few moments later इधर रास्ता है कि इधर से रास्ता है, तो हम लोग इधर से जाएंगे क्योंकि आगे से बहुत चलना पड़ता है और ऐसे भी थके हुए सुबह से। आ गए अपने हॉस्टल के पास, वो सामने रहा अपना हॉस्टल और ये रहे हम। ये बस गर्ल्स हॉस्टल भरा पड़ा है यार। अरे ये रहा अपना हॉस्टल, ला 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 ला। कोई आया अपने हॉस्टल में। मेरा बाल मिस्टर इंडिया, तो जिसका साइकिल है पहले उनको ताला मार के चाबी दे देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ताला अब जाके चाबी देता हूँ भैया को। ना 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 ओ भैया, ये रूम है उनका। पता ना भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहते आप ये रहे हमारे होटल के हैंडसम भैया, हैंडसम ही है ये लोग, बड़े लोग। कहते बोले सर आदमी, कहते आप परेशान कर रहा था। कौन इनको परेशान कर रहा था बताओ। अरे वो मैं जीता था ना, अरे इससे कल मैं जीता ना उस पे। चलिए चलते हैं, बाय बाय। क्लास क्लास बोल रहे थे हाँ बोलो। ये राम बिलास जी परेशानी रहेंगे उनके। ठीक है हमारा रूम नीचे है। रूम का हालत देखो गाइस, मेरा रूम का हाल। आंगनबाड़ी बना के रखे हैं, आंगनबाड़ी। ये बैग, ये अमृत इधर से पड़ गया। तो मिलते हैं पूरा चेंज करने के बाद, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। कपड़े बदल लिए, हम भी फ्रेश हो गए और पेट को फ्रेश करेंगे, फिर सोएंगे 2-3 घंटे आराम से, उसके बाद फिर शाम में उठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।